हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई, आज की जो ये वीडियो है, ये गाड़ी के सनशेड से रिलेटेड है। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि जो गाड़ी के विंडोज़ पे जो हम सनशेड लगाते हैं, क्या वो लीगल है या नहीं है। पुलिस वाले अगर हमको रोकते हैं तो क्या वो इन सनशेड्स की वजह से हमारा चालान कर सकते हैं कि नहीं। तो आज ये जो कम्प्लीट वीडियो है, ये इस टॉपिक पर है। तो पीछे खड़ी है मेरी गाड़ी टाटा टिगोर, जिसमें ऑलरेडी जो है मैंने सनशेड लगाए हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं गाड़ी में जो है ऑलरेडी सनशेड्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी आपको विजिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। ये मैग्नेटिक सनशेड्स हैं जो कि रिमूवेबल होते हैं, इस तरह से निकल जाते हैं अगर आप चाहें तो। चारों विंडोज़ में ये सनशेड्स जो हैं ये लगे हुए हैं। अब जो डाउट है लोगों के मन में कि क्या इन सनशेड्स की वजह से चालान हो सकता है या नहीं, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग पास करी थी कि आपकी गाड़ी में अगर आप कोई भी ऐसे टिंटेड ग्लास या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगाते हैं जिसकी वजह से आपका सेफ्टी ग्लास ब्लॉक होता है या अंदर की विजिबिलिटी ब्लॉक होती है, तो उसका चालान किया जाएगा। अब सेफ्टी ग्लास क्या होता है? सेफ्टी ग्लास बेसिकली आपकी गाड़ी का रियर विंडो और आपकी गाड़ी की जो फ्रंट विंडो है, ये आपका सेफ्टी ग्लास में कंसिडर होता है। तो ये दोनों जो रियर एंड फ्रंट आपका सेफ्टी ग्लास में कंसिडर होता है, तो इनमें एटलीस्ट जो है 70% की विजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपका चालान जो है नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। बिकॉज ऑफ ब्लैक इंटीरियर थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा, और जो आपके साइड के मिरर्स होते हैं ये वाले, यहाँ पे एटलीस्ट 50% की विजिबिलिटी आपको होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, तो आपका चालान जो है वो नहीं किया जाएगा। बट अगर आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी, साइड के विंडोज़ की विजिबिलिटी 50% से कम है और आपके फ्रंट एंड रियर की विजिबिलिटी 70% से कम है, तो डेफिनेटली आपका जो है पुलिस वाले चालान कर सकते हैं, एंड दे कैन चालान अप टू 10,000 रुपीज़ टू यू। तो अगर आपको कभी कोई पुलिस वाला रोकता है और आपने इस तरह के सनशेड लगा रखे हैं जिसमें कि आपको 50% तक जो है विजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, और आपको रोका जाता है और बोला जाता है कि आपका चालान होगा क्योंकि आपने जो है अपने विंडोज़ को कवर करा हुआ है जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी ब्लॉक हो रही है, तो उस पुलिस वाले से बहस करने से बेटर है कि आप अपने सनशेड्स को हटा लें उस टाइम पर, पोलाइटली हटा लें। बिकॉज ये लोग ऑलरेडी सुबह से धूप में खड़े होते हैं और हमसे ज़्यादा इनको गर्मी लग रही होती है, हमसे ज़्यादा इनको लॉस भी पता है। तो इनसे बिना बहस करे आप चुपचाप अपने सनशेड्स को हटा लें और सॉरी बोल के अपोलोजाइज करके आगे निकल जाएं, एंड दे विल ऑल्सो नॉट गोइंग टू चालान यू, बिकॉज उनको भी मालूम है कि यार गाड़ी के अंदर इंसान को गर्मी लग रही होती है, इसी वजह से सनशेड लगे होते हैं। तो बहस ना करें, चुपचाप सनशेड्स को हटाएं, आपका वो चालान नहीं करेंगे। बिकॉज़ 5-6 साल से मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ और सनशेड्स, इस तरह के सनशेड ही मैं यूज़ करता हूँ, डार्क फिल्म वाले सनशेड यूज़ नहीं करता हूँ। तो अगर कभी कोई यू नो 10 में से 1 बार अगर कोई रोकता भी है तो दे यू नो लेट यू गो, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है और वो आपका चालान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए, आपका चालान कभी नहीं होगा, आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना अंडरस्टैंड करें कि आपकी जो सेफ्टी ग्लास की विजिबिलिटी है वो 70% एटलीस्ट होनी चाहिए, और साइड के जो आपके विंडोज़ हैं उनकी विजिबिलिटी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, तो आपका चालान जो है वो नहीं किया जाएगा। तो गाइज़, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो ऑन कार सनशेड्स की, इसमें चालान हो सकता है या नहीं हो सकता। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, और हम सबको जो है गाड़ी के अंदर एक यू नो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाने से पहले एक थम्सअप ज़रूर दे देना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।